बंद करो, बंद करो, कसूर बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कारवां टीवी हर पल आपके साथ। नवाबगंज में भाजपाइयों द्वारा एक पत्रकार के साथ की गई मारपीट को लेकर भारी संख्या में इकट्ठा होकर सपा कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला बरेली के नवाबगंज में सपा के बरेली जिलाध्यक्ष शिव चरण कश्यप और पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर कार्यकर्ताओं के साथ तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी राजीव कुमार शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बीते चार दिनों पहले कवरेज के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार के साथ की गई मारपीट की घटना बेहद ही निंदनीय है। भगवत शरण गंगवार ने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया जा रहा है, इससे साफ मालूम हो रहा है कि भाजपा हर उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है जो सच दिखाने और सच बोलने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि मामले की सही तरीके से जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पत्रकार पर लगे झूठे मुकदमे को वापस लिया जाए। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने ज्ञापन दिया जिसमें किसानों का गन्ने का बकाया दिलवाए जाने की मांग की है। युवाओं को रोजगार क्षेत्र में बढ़ रही गुंडागर्दी को लेकर अन्य समस्याओं समेत विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार व सपा नेताओं ने उप जिलाधिकारी राजीव कुमार शुक्ला को ज्ञापन में कहा है कि पत्रकार को इंसाफ नहीं मिला तो सपा कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान सेंथल नगर पंचायत के चेयरमैन कंबर एजाज शानू, एडवोकेट प्रमोद यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, पुरुषोत्तम गंगवार, एडवोकेट शारिक खान, प्रोफेसर राशिद अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार समेत भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए कारवा टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मंत्री जी, जानना चाहेंगे चौकी पर जिस तरह से पत्रकार के साथ जो है मारपीट की गई भाजपाइयों द्वारा, भारी संख्या में भाजपाई और एक पत्रकार कवरेज कर रहा, क्या कहेंगे? ऐसा है, इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की ना कोई नियम है, ना कानून है, ना कोई व्यक्तियों के अंदर अनुशासन है, और इसीलिए घटना कुछ थी पैसे की उगाही की। एक थ्री व्हीलर वाले से पैसे उगा रहे थे, उसने मना किया तो उसे मारना शुरू कर दिया और लव इन जिहाद का नाम ले दिया। पत्रकार होने के नाते उनने फोटो खींचा तो पत्रकार की भी पिटाई कर दी, उसका कैमरा भी तोड़ के फेंकना चाहा, सारे कपड़े फाड़ दिए। और हमने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर इसमें न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। और आज के जो ज्ञापन की बात है, उस ज्ञापन में किसानों की बात है, नौजवानों की बात है, बहनों की बात है, छात्रों की बात है, यानी सारे लोगों की, इन व्यवस्थाओं को सही किया जाए। और अगर सही नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। जिस तरह से पत्रकार के साथ जो घटना घटी, एक तरह से साजिश है क्या? नहीं, ये बहुत निंदनीय है। लोकतंत्र में अगर पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, पत्रकार लोगों को अपमानित किया जाएगा, पत्रकार लोगों के साथ बहुत खराब हरकतें की जाएंगी, मारपीट की जाएगी, तो एक लोकतंत्र का एक पाया ढह जाएगा और जो ईमानदारी जो प्रदर्शित करते हैं वो समाज से ईमानदारी का नाम उठ जाएगा। इसको लेके आप कहाँ तक साथ हैं? नहीं, मैंने अभी कहा, कहना चाहिए आपने, मैं कह चुका हूँ, दोबारा उस बात को नहीं। हम बात पत्रकार की नहीं है, हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जिसके साथ होगा, चाहे वो पत्रकार के खिलाफ हो, नौजवान के खिलाफ हो, किसान के खिलाफ हो, जिसके खिलाफ होगा समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। सचिव जी, जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा? कई मांगे थी। नवाबगंज तहसील में समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार साथियों के साथ, माननीय मंत्री भगवत शरण जी के साथ
आज हम लोगों ने SDM साहब को महामहिम राज्यपाल के लिए ज्ञापन दिया है, उसमें कई मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवानों को, बेरोजगारों को, बुजुर्गों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे थे, उन पे SDM साहब का ध्यान आकर्षित कराया हम लोगों ने। जिस तरह से पत्रकार के साथ अभी कुछ दिनों पहले एक वारदात हुई है, क्या कहेंगे? अब गुंडई चरम पे है, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे पत्रकार हों, तो ये तो गुंडे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इनने पत्रकार को मारने का काम किया, मुकदमा सिर्फ 323, 504, 506 में लिखा गया है। मुझे लगता है कान का पर्दा भी फटा होगा, अभी तक इनके कान से आवाज़ नहीं आ रही है। अगर इनकी डॉक्टरी कान के पर्दे की हो तो इसमें मुझे लगता है 326 बढ़ेगी, फिर इनकी बेल हाई कोर्ट से नहीं होगी, सही धारा में मुकदमा पंजीकृत नहीं है। कवरेज के दौरान एक पत्रकार पर हमला करना क्या लगता है? लोकतंत्र भाई, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम लोग उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो किस तरीके से वो निर्भीक होकर न्यायपूर्ण बात जनता की सबके सामने रख पाएंगे।